गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जीव विज्ञान एवं उसकी शाखाओं के बारे में अध्ययन किया हुआ था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11 की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर हम लेंगे। यूनिट फर्स्ट में सजीव जगत में विविधता है और आज का हमारा जो टॉपिक है सजीव, उनके लक्षण एवं सजीव तथा निर्जीव जीवों में अंतर। स्टूडेंट्स, जब आप वातावरण या प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि इस वातावरण में केवल दो ही प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। दो प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी? एक ऐसी वस्तु है जिनमें जीवन पाया जाता है जिसे हम सजीव कहते हैं, तथा ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता अर्थात निर्जीव वस्तुएं। अगर हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सजीव वस्तुएं जो है का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और इन कोशिकाओं के अंदर अनेक कोशिकाओं के अंदर अगर हम बात करें तो कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है और इस जीव द्रव्य का भी केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें, उसका रासायनिक संगठन देखें, तो हम ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं और इन रासायनिक पदार्थों के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं चलती है और ये रासायनिक क्रियाएं कुछ क्रियाओं को प्रदर्शित करती है और यही जो क्रियाएं हैं वही क्रिया क्या कहलाती है? जैविक क्रिया कहलाती है। और इन्हीं जैविक क्रियाओं को हम जीवन के लक्षण के रूप में परिभाषित करते हैं। तो क्या बताया मैंने? मैंने ये कहा कि जो सजीव होते हैं, सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है और जीव द्रव्य के अंदर ही जैविक क्रियाएं संपन्न होती है और इन जैविक क्रियाओं का संपन्न होना ही जीवन के लक्षण को प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उत्पन्न हुआ तो फिर सजीव क्या है, है ना? अब सवाल हम सजीव की परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रकृति में विद्यमान ऐसी कोई भी वस्तु जो कोशिकाओं की बनी हो तथा जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हो सजीव कहलाता है। एक बार फिर से देखिए कि प्रकृति में विद्यमान ऐसी कोई भी वस्तु जो कोशिकाओं की बनी हो तथा जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हो सजीव कहलाती है। चूंकि इसमें रासायनिक क्रियाएं भी होती है तो अब हम उसकी परिभाषा को थोड़ा और चेंज भी कर सकते हैं। अब वो क्या लिख सकते हैं हम, या किसी जीव की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का स्वचलित एवं स्वनियंत्रित प्रणाली के रूप में चलते रहना ही जीवित होने का लक्षण। एक बार फिर से देखिए, किसी जीव की कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं का स्वनियंत्रित तथा स्वचलित प्रणाली के रूप में चलते रहना ही जीवित होने का लक्षण। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सजीव होते हैं, सजीव का शरीर हमने जैसा कहा कोशिकाओं से मिलकर बना है जिसमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जो सजीव होते हैं कुछ समय बाद इसमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते अर्थात वो मृत हो जाते हैं। तो हम किसे सजीव माने, किसे जीवित माने और किसे निर्जीव माने, किसे मृत माने? भाई सीधी सी बात है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिला है, कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है और जीव द्रव्य के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती है और इन जैव रासायनिक क्रियाओं में से एक क्रिया है ऊर्जा को कार्य रूप में परिवर्तित करना। जो जीव ऊर्जा को कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं हम उसे जीवित मानते हैं, जबकि ऐसे जीव या ऐसी कोशिकाएं जो ऊर्जा को कार्य रूप में परिवर्तित नहीं करते हैं उसे हम मृत मानते हैं। अब यहां पर हमने सजीव की परिभाषा जानने की कोशिश की है, मृत किसे कहते हैं इसकी को जानने की कोशिश की है और निर्जीव को भी हमने जानने की कोशिश की है कि जिनमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सजीव के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगर हम लक्षणों की बात करें तो सजीवों का जो शरीर है वो एक निश्चित माप का होता है, निश्चित साइज का होता है, विशिष्ट प्रकार की आकृति के साथ
उसका शरीर जो है वैयक्तिकता लिए हुए होता है, उसकी अपनी एक खुद की पहचान होती है। दूसरी विशेषता देखिए, प्रत्येक जीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं के अंदर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसके अलावा उपापचय, श्वसन, पोषण, अनुकूलन, वृद्धि, प्रजनन, प्रचलन एवं गति, उत्तेजनशीलता, उत्सर्जन, समस्थापन, अनुवांशिक पदार्थ का पाया जाना, जीवन चक्र और मृत्यु जैसे लक्षण जो है सजीव में पाए जाते हैं। यदि हम इन सारे के सारे लक्षणों पर डिस्कशन करने लगे, उनको समझने की कोशिश करें, तो ये वीडियो जो है वो काफी लंबा होगा। इस कारण से मैं इन सभी लक्षणों में से कुछ विशिष्ट लक्षण जो है उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखें कि इनमें से जितने लक्षण हमने यहाँ पे लिखे हैं उनमें से कुछ लक्षणों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि ये कौन से लक्षण होते हैं। जैसा कि अब यहां पर अगर मान के चलिए निश्चित आकार का होना, निश्चित साइज के साथ वैयक्तिकता का होना, ये एक विविधता को प्रदर्शित करने वाला लक्षण है। इस पर हम नहीं जाएंगे। कोशिकीय संरचना, तो आपको पता है कि प्रत्येक जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के अंदर जीवद्रव्य पाया जाता है और जीवद्रव्य के अंदर ही सारी की सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जीवन के लक्षण उसी के द्वारा निर्मित होते हैं। इसी कारण तो जीवद्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है, जीवन का भौतिक आधार कहा गया। चलिए मैं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण पर आता हूं, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या उपापचय। उपापचय क्या है? उपापचय इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और उपापचय को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा गया है? देखिए, प्रत्येक जीवों के शरीर में अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं चलते रहती है और इन जैव रासायनिक क्रियाओं में कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनमें से सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। वहीं पर कुछ ऐसी भी जैव रासायनिक क्रियाएं चलती है जिनमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। इन सभी प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, उपापचय वह क्रिया है जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ और जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है, उपापचय कहलाता है। यदि अब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है तब उसको हम कहते हैं उपचय या एनाबॉलिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहा जाता है। जबकि जटिल पदार्थों से जब सरल पदार्थों का निर्माण होता है तब हम इसे अपचय कहते हैं या इसे हम कहते हैं केटाबॉलिज्म। अब दोनों में क्या होता है भाई? जैसा कि मालूम है आपको, एनाबॉलिज्म मतलब सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पादप कोशिकाओं में होने वाला प्रकाश संश्लेषण। आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे सरल पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर जो है जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह एनाबॉलिज्म को शो करता है। या ये कह सकते हैं जीवों के शरीर के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होना, ये भी एक क्रिया है। फैटी एसिड से फैट्स का निर्माण होना, ये एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल है। वहीं पर केटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो हमने जैसा कि पढ़ा है जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण केटाबॉलिज्म या अपचय कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जो आपने देखा होगा जो ग्लूकोज होता है, जो हम भोजन के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करके होते हैं, अंत में जाकर यह कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और यही ग्लूकोज आगे जब इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी तथा ऊर्जा देता है जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है। यही क्रिया जो है उपापचय कहलाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से उपापचय अब आपको समझ में आ गया कि उपापचय वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें
सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ और जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है, उपापचय कहलाता है। चलिए एक और क्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं और वह क्रिया है अनुकूलन। हम जानने की कोशिश करते हैं कि अनुकूलन क्या कहलाता है। भाई अभी बारिश का मौसम, जब तेज बारिश होने लग जाए तो क्या करेंगे आप? भाई सिंपल सी बात है, रेनकोट पहनेंगे या फिर छाता लेके चलेंगे, और गर्मी हो जाए तो हम फैन चालू कर लेंगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा सर्दी लगे तो गर्म कपड़े पहनेंगे, यही चीज करते हैं ना भाई। परिस्थितियां बदली और परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने आप को ढाला, कुछ विशेषताएं विकसित, इन्हीं विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। बदलती हुई वातावरणीय दशाओं के अनुसार जीवों के शरीर में जो विशेषताएं विकसित होती है उन्हीं विशेषताओं को हम अनुकूलन कहते हैं। यदि जीव अनुकूलित ना हो तो वो पीछे रहे। आपने देखा, नाम सुना होगा डायनासोर के, डायनासोर की मूवीज भी देखी होगी। इसमें आपने देखा कि पहले डायनासोर थे लेकिन वर्तमान में नहीं। अब डायनासोर अब वर्तमान में क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों को के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाए, और जब ढाल नहीं पाए तो उनकी मृत्यु हो गई। देखिए ये जो अनुकूलन है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्पकालिक अनुकूलन और दूसरा होता है दीर्घकालिक अनुकूलन। अल्पकालिक अनुकूलन और दीर्घकालिक अनुकूलन, ऐसा अनुकूलन जो कम समय के लिए होता है, अल्प समय के लिए होता है, अल्पकालिक अनुकूलन कहलाता है। जैसे यदि आप धूप में जाके खड़े हो जाएं तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि आपके जो त्वचा का रंग है गहरा डार्क हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मेलानिन पिगमेंट का जमा हुआ, और जैसे ही आप धूप से छांव में आते हैं तो धीरे धीरे करके जो है मेलानिन जो पदार्थ हटने लगता है, जहां अनुकूलन जो है अल्पकालिक अनुकूलन कहलाता है। लेकिन जब अनुकूलन दीर्घ समय के लिए हो, लंबे समय के लिए हो, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो, तब इस प्रकार का जो अनुकूलन है वो दीर्घकालिक अनुकूलन कहलाता है। दीर्घकालिक अनुकूलन अनुवांशिक होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें पक्षियों के पंख, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पक्षियों की चोंच, पक्षियों के लेग्स, उनकी जो टांगे हैं, ये भी इसके दीर्घकालिक अनुकूलन के एग्जाम्पल है। एक भी बात और यहां पर कहना जाए, चाहे कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढालता है, तो उस वातावरण के अनुसार एडाप्टेशन उत्पन्न होते हैं, विशेषताएं विकसित होती है। इसको हम किसी अन्य चैप्टर्स में भी इसका अध्ययन करेंगे। आज अभी केवल अनुकूलन के बारे में बस इतना ही हम देखते हैं। अब चलिए एक और हम यहां पर लक्षण लेते हैं, और वह लक्षण है श्वसन का। श्वसन क्या कहलाता है? अगर मान जनरली मैं आपसे बात करूं तो आप यही कहेंगे कि भाई श्वास लेना और श्वास छोड़ना श्वसन कहलाता है, लेकिन वास्तव में श्वसन यह नहीं है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मैंने क्या कहा कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं के अंदर जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, श्वसन कहलाती है। जैसे यहां पर अगर देखें, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अंत में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यहां जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। चलिए एक और जैविक क्रिया लेते हैं, प्रजनन। प्रजनन क्या कहलाता है? अगर हम प्रजनन की बात करें, जीवों का अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। वही वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाता है। भाई अगर प्रजनन ना हो तो क्या हो, क्या होगा? भाई सीधी सी बात है कि प्रजनन अगर ना हो तो इस प्रकृति में नए जीव नहीं आ पाएंगे। आप लोगों को मालूम है कि इस संसार में आने का
जो मुख्य कारण है जीवों का वो है अपनी जाति को बनाए रखना। और अपनी जाति को कोई जीव कैसे बना के रखेगा? प्रजनन के माध्यम से बना के। अब ये जो प्रजनन है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। इसके अलावा पौधों में एक और प्रकार का प्रजनन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कायिक प्रजनन। तो चलिए ये प्रजनन की बात हो गई। एक और जो लक्षण है मैं उस पर बात कर लूं थोड़ा सा, बहुत शॉर्ट में बात करें, प्रचलन और गति। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो प्रचलन और गति में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब हम इसे प्रचलन कहते हैं, ठीक है। जब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब हम इसको प्रचलन कहते हैं, लेकिन जब जंतु एक या जीव एक स्थान पर स्थिर रहता है और उसके शारीरिक अंग हिलते डुलते हैं तब इस क्रिया को हम गति कहते हैं। प्रचलन जंतुओं का मुख्य लक्षण है जबकि गति का पाया जाना पादपों का मुख्य लक्षण। तो चलिए मैंने कुछ और जैविक क्रियाओं के बारे में और थोड़ा सा देख लें। एक और जैविक क्रिया के बारे में बात करूंगा मैं और वो है सम स्थापन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिसे WB कैनन के द्वारा समझाया गया, ठीक है। WB कैनन ने सम स्थापन के बारे में बताया। देखिए प्रत्येक जीव का शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और इस कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा? प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी जैविक क्रियाएं होती, अपना प्रोटोप्लाज्म का एक रासायनिक संगठन होता है, ठीक है ना, रासायनिक संगठन होता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म से बाहर की ओर जाते हैं, अर्थात आने और जाने की क्रिया चलते रहती है। इसके बावजूद भी प्रोटोप्लाज्म का जो जैव रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन है, वो एक समान बना हुआ रहता है और जीवों में इसी क्रिया को सम स्थापन कहा जाता है। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है आपके द्वारा पानी पीना, ठीक है भाई, आपको प्यास लगी आपने पानी पिया, ठीक है। जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए आपके शरीर में तो उसे पसीने के रूप में, एक्सक्रीशन के रूप में, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी शरीर के अंदर पानी की एक नियत मात्रा बनी रहती है। मतलब रासायनिक पदार्थों का शरीर के अंदर एक निश्चित मात्रा में बने रहना ही क्या कहलाता है? समस्थापन कहलाता है। अब चलिए मैं एक और अंतिम जो जैविक लक्षण है उसको ले लेता हूं और वह है मृत्यु। मृत्यु जीवन के लिए अनिवार्य जैविक क्रिया है। जब अब हम मृत किसे मान लें? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि मृत उसे मान लें जो ऊर्जा को कार्य रूप में परिवर्तित नहीं करते। ऐसा जीव जो शरीर में पाई जाने वाली ऊर्जा को कार्य रूप में परिवर्तित करना बंद कर देते हैं वो मृत कहलाते हैं, या इस घटना को हम मृत्यु कहते हैं। जनरली मृत्यु की बात करें तो जीवों में पाई जाने वाली जो मृत्यु है, जंतुओं में पाई जाने वाली जो मृत्यु है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक चिकित्सीय मृत्यु और दूसरा है जैविक मृत्यु। जब हम डॉक्टर के पास किसी व्यक्ति को लेके जाते हैं और उस व्यक्ति की जब हृदय की धड़कनें बंद हो जाए, नब्ज चलना बंद हो जाए और आंखों की पुतलियां फैलकर स्थिर हो जाए, तब डॉक्टर कहता है कि इसकी मृत्यु हो गई है। तब ऐसी ही मृत्यु को जो है हम चिकित्सीय मृत्यु कहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि कई बार जो है कुछ कोशिकाएं जो है कुछ मृत्यु के बाद भी, चिकित्सीय मृत्यु के बाद भी जीवित बनी रहती है, और जब उन कोशिकाओं में ऊर्जा को कार्य रूप में परिवर्तित करना पूरी तरह से बंद कर देता है तब हम इसे क्या कहते हैं? जैविक मृत्यु। अब मृत्यु के क्या कारण हो सकते हैं? मृत्यु के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उनमें से एक कारण है एजिंग, वयता, है ना, एजिंग और वयता। वयता एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। वयता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जेरेंटो
लॉजी कहा जाता है, वैता विज्ञान कहा जाता है। और एजिंग का कारण एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं कोलेजन। हाँ, इसको एजिंग का जो भी कारण है वो क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन। तो चलिए, अब मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से जो है सजीव तथा उनके लक्षणों के बारे में हम बात करें। ये जितने लक्षण हमने देखे हैं वो सारे के सारे लक्षण किसमें पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं। यदि यह लक्षण जिनमें नहीं पाए जाते तो हम उसे क्या कहते हैं, निर्जीव। तो आप इन्हीं लक्षणों के आधार पर जो है सजीव और निर्जीव में अंतर लिख सकते हैं। अगर आपको सजीव और निर्जीव में अंतर लिखना है तो आप चार कॉलम बना लें, इस प्रकार से आप चार कॉलम बना लें और चार कॉलम के आधार पर इन लक्षणों को आप एक्सप्लेन करें। पहला कॉलम में क्रमांक आ जाएगा, दूसरे कॉलम में आ जाएगा लक्षण, तीसरे कॉलम में आ जाएगा सजीव और चौथे कॉलम में आ जाएगा निर्जीव। इस प्रकार से आप जो है इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना काफी है, बाकी की बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा 11th क्लास के बच्चे इन वीडियो का फायदा ले सके। धन्यवाद।